जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि के 1 अगस्त से 15 अगस्त तक के राशिफल की चर्चा करेंगे और मीन राशि के राशिफल में धन, कैरियर, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, सभी बातों की चर्चा करेंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। सबसे पहले धन की बात करेंगे। धन की बात करें तो मीन राशि वालों के दूसरे भाव में मेष राशि है, स्वामी मंगल है, और आय भाव में मकर राशि है, स्वामी शनि है। और धन भाव के स्वामी मंगल का गोचर 10 अगस्त तक धन भाव में ही रहेगा और उसके बाद 10 से 15 अगस्त के बीच में जो उनका गोचर रहेगा वो वृषभ राशि में रहेगा, यानी कि आपके तीसरे भाव में रहेगा। और आय भाव के स्वामी की बात करें तो आय भाव के स्वामी शनि है, मकर राशि है, और आय भाव के स्वामी का गोचर आय भाव में ही रहने वाला है। तो धन और आय के मामले में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको धन और आय के मामले में नियमित स्रोतों से आय भी होती रहेगी और धन के मामले में कोई भी आपके कार्य रुकने वाले नहीं हैं। धन के मामले में जो भी कार्य आपके होंगे वो समय पर पूरे हो जाएंगे और धन और आय के मामले में आपको अच्छे परिणाम 1 से 15 अगस्त तक देखने को मिलेंगे। बात करते हैं व्यापार, कारोबार और नौकरी की। तो व्यापार, कारोबार और नौकरी की बात करें तो दशम भाव में धनु राशि है, स्वामी गुरुदेव हैं और आपके राशि स्वामी भी गुरुदेव हैं। तो दशम भाव के स्वामी गुरुदेव का जो गोचर है वो आपकी राशि यानी प्रथम भाव यानी मीन राशि में ही रहने वाला है 1 से 15 अगस्त के बीच में। तो आपको धन, व्यापार, कारोबार, नौकरी, इन सभी के मामलों में अच्छे परिणाम ही गुरुदेव देंगे। आपकी वाणी भी इस समय अच्छी रहेगी और गुरुदेव का गोचर प्रथम भाव में रहेगा तो पंचम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी और नवम दृष्टि नवम भाव पर रहेगी। तो आपको इस समय भाग्य का साथ भी मिलेगा। तो आपको व्यापार, कारोबार और नौकरी को लेकर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे 1 से 15 अगस्त के बीच में। आपको व्यापार, कारोबार और नौकरी में परिणाम अच्छे मिलेंगे और आपके कारोबार हो, चाहे आप नौकरी करते हों, चाहे प्राइवेट नौकरी करते हों, चाहे गवर्नमेंट जॉब करते हों, वहाँ पर आपको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरे भाव में मेष राशि और स्वामी मंगल, और मंगल का गोचर 10 अगस्त तक वहाँ पर ही है, दूसरे भाव में ही है। तो इस समय आपकी वाणी में थोड़ा सा क्रोध देखा जा सकता है, इसलिए आप परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा तालमेल बनाकर चलें और अपनी वाणी पर संयम रखें, क्रोध से बचें, अहम के टकराव से बचें, इस बात का ध्यान रखें। और खासकर 10 अगस्त तक ज़्यादा ध्यान रखें क्योंकि राहु का गोचर भी आपके दूसरे भाव मेष राशि में ही रहेगा। तो इस समय पर परिवार के सदस्यों के साथ वाद विवाद संभव है, गलतफहमियां संभव हैं, तो आपकी वाणी अच्छी नहीं रहेगी, आप में गलतफहमियां देखी जा सकती हैं, यानी कि आप अपने परिवार के सदस्यों को लेकर मन में गलतफहमियां पाल सकते हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि आपकी वाणी भी अच्छी रहे और गलतफहमियां भी ना हो। इन बातों का अगर आप विशेष ध्यान रखेंगे तो आपके परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल भी बढ़िया रहेगा और पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा। बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की बात करें तो छठे भाव में सिंह राशि है, सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य का गोचर पंचम भाव में रहेगा, यानी कर्क राशि में रहेगा। 1 से 15 अगस्त के बीच में उनका गोचर पंचम भाव में रहेगा और छठे भाव से बारहवें हो जाएंगे वो। तो छठे भाव से बारहवें हो जाएंगे, पंचम भाव में गोचर होगा, तो अगर आपको पेट से संबंधित कोई भी स्वास्थ्य समस्या है तो उसका बिल्कुल आपको ध्यान रखकर चलना होगा। पेट से संबंधित स्वास्थ्य समस्या में दिक्कत देखने को मिल सकती है। अगर आपको पेट से संबंधित कोई भी स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है। और अगर आपको बीपी से जुड़ी कोई समस्या है, हार्ट से जुड़ी हुई कोई समस्या है, तो वहाँ पर आपको अपनी दवाइयाँ समय पर लेनी है, डॉक्टर से परामर्श समय पर लेना है, वहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तले भुने भोज पदार्थों से दूर रहें और तनाव से बचें। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं शिक्षा की। तो शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव में कर्क राशि है और स्वामी चंद्रमा हैं।
चंद्रमा का गोचर कई राशियों में रहेगा 1 से 15 अगस्त तक, क्योंकि चंद्रमा जो है लगभग सवा दो दिन में अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो वहाँ पर कई राशियों में गोचर होने से आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे, लेकिन अगर कुल मिलाकर हम देखें तो शिक्षा के मामले में जो चंद्रमा का गोचर रहेगा वो अच्छा ही रहेगा। और आपके सबसे बड़ी बात यह है कि जो राशि स्वामी हैं वो गुरुदेव हैं और उनकी दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी और 1 से 15 अगस्त तक पूरा रहेगी, तो शिक्षा के मामले में आपको परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। आप किसी भी प्रकार की कोई भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको किसी भी दिक्कत का, कोई भी दिक्कतों का कोई भी सामना करना नहीं पड़ेगा। आपका मन भी पढ़ाई में लगेगा और शिक्षा में आपको अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव में कन्या राशि है, स्वामी बुध हैं और बुध का गोचर 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में सिंह राशि में ही रहेगा, यानी सप्तमेश का गोचर छठे भाव में रहेगा, यानी अपने से 12वें रहेंगे। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना होगा और जीवन साथी से व्रत के बाद विवाद से भी बचना होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। तो वैवाहिक संबंधों में इन बातों का आप विशेष ध्यान रखकर चलें तो वैवाहिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी देखने को मिलेगी, लेकिन आपके अहम के चलते, आपके क्रोध के चलते कोई ऐसी बातें ना हो, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, जो कि जीवन साथी से आपके बाद विवाद उत्पन्न हो। और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखकर आप अवश्य चलें, खासकर अगर आपके जीवन साथी को पेट से संबंधित कोई भी स्वास्थ्य समस्या है तो उसका आप थोड़ा सा अवश्य ध्यान रखकर इस समय पर चलें, और अगर त्वचा से संबंधित भी कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका भी ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में कर्क राशि है और पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि है और शनि की दृष्टि भी पंचम भाव पर है, तो शनि की दृष्टि भी है तो गुरु की दृष्टि भी है, तो प्रेम संबंधों में इस समय आप बहुत ईमानदारी रखें। अगर आपने प्रेम संबंधों में ईमानदारी नहीं रखी तो आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध तो अच्छे नहीं ही रहेंगे, और अगर आपके प्रेम संबंध 1 से ज़्यादा जगह पर हैं तो वो आपके प्रेम संबंध भी ओपन हो जाएंगे, और अगर आपने झूठ बोलकर कोई रिश्ता बनाया है प्रेम संबंधों को लेकर तो वो भी इस समय आपका पता चल सकता है और आपका प्रेमी प्रेमिका आपसे नाराज हो सकता है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस समय पर, और अगर आपके प्रेमी प्रेमिका से कोई मतभेद चल रहे हैं तो उन मतभेदों को भी दूर करने का प्रयास इस समय आप कर सकते हैं, लेकिन प्रेम संबंधों में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको इस समय पर बहुत ही ईमानदारी रखनी है। अगर आप साथी की तलाश में हैं तो और मित्रता करना चाहते हैं, या फिर आपके मित्रवत संबंध हैं उनको प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो सफलता आपको वहाँ पर मिल सकती है, लेकिन आप ध्यान रखें आपको प्रेम संबंधों में सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी का परिचय देना बहुत ही आवश्यक होगा, नहीं तो आपके प्रेम संबंधों में वाद विवाद संभव है। तो कुछ इस तरह के परिणाम मीन राशि वालों को 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में मिल सकते हैं। तो मित्रों, ये था मीन राशि वालों का राशिफल, और ये मीन राशि वालों का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।